दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं। इसमें पहली खबर बीते कल डीआरडीओ के द्वारा किए गए मिसाइल प्रणाली एसएफडीआर बूस्टर के सफल परीक्षण से संबंधित है। ये एक ऐसा मिसाइल बूस्टर है जिसके उपयोग से भारत अपनी सुपरसोनिक मिसाइलों को और भी ज्यादा खतरनाक बना पाएगा। ये जो परीक्षण हुआ है इससे भारत फ्रांस की मिसाइलों को भी पीछे छोड़ने वाला है। इस टेक्नोलॉजी को हासिल करते ही भारत राफेल में उपयोग की जाने वाली मेटियोर मिसाइल की तरह ही मिसाइलों का निर्माण कर पाएगा। वहीं पर दूसरी खबर भारतीय नौसेना को लेकर है। दरअसल भारतीय नौसेना को रोमियो हेलीकॉप्टर की खेप पहुंचना शुरू हो चुकी है। यह एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसमें हाई टेक्नोलॉजी के रडार सिस्टम लगे होंगे और ये चाहे दिन हो या रात हो हर वक्त भारतीय नौसेना की हिफाजत करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डीआरडीओ के द्वारा किए गए उस परीक्षण के बारे में जिसके सफल होने के बाद अब हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण भारत की डीआरडीओ के लिए बहुत आसान हो गया है। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण तो सभी देश कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तो बहुत से देश इसको बनाना तो दूर इसके बारे में सोचते भी नहीं है, क्योंकि अभी भी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण बहुत ही जटिल कार्य माना जाता है। अभी कुछ गिने चुने देश हैं जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण करने में सफल हुए हैं। बहुत से देश अभी भी अमेरिका और रूस के द्वारा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर निर्भर हैं। कुछ साल पहले तक भारत भी दूसरे देशों से इसी तरह की मिसाइलों का इम्पोर्ट करता था, लेकिन यह कुछ सालों में धीरे धीरे कम हो गया है, क्योंकि भारत के डीआरडीओ ने अब वो क्षमता हासिल कर ली है जिसे भारत आसानी से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने शुक्रवार को एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइलों में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग किसी भी मिसाइल में करने से इसकी गति को सुपरसोनिक से भी अधिक करी जा सकती है। आपको बता दें इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डीआरडीओ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की मारक क्षमता और उसकी गति को बढ़ा सकता है। एसएफडीआर आधारित किसी भी मिसाइल को सुपरसोनिक गति से काफी अधिक दूर पर हवाई खतरों को रोकने में सक्षम बनाता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इस मिसाइल में किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन को इनबिल्ट नहीं किया गया है। ये वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का ही उपयोग करता है। इसमें ऑक्सीजन को इनबिल्ट न किए जाने की वजह से इसका वजन कम होता है। इसके अलावा इस तरीके की टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइलें अप एंड डाउन थ्रॉटलिंग करने में भी सक्षम होती है, जिसकी वजह से इनकी गति में इजाफा होता रहता है। वहीं पर इन सब के अलावा इस मिसाइल की एक और बहुत बड़ी खूबी यह है कि जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तब यह कम स्पीड से चलती है, लेकिन जैसे जैसे टारगेट की ओर पहुंचती है इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, और जब यह अपने टारगेट के सबसे नजदीक बिंदु पर पहुंचती है इसकी स्पीड सबसे अधिकतम होती है। इसी वजह से इस मिसाइल को टारगेट करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी धोखा खा जाते हैं। इस तकनीक का सफल परीक्षण हो चुका है जिसमें अब डीआरडीओ अपने फाइटर जेट के लिए स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइलों का निर्माण करने वाला है। यहाँ तक कि भारत के राफेल विमान में फ्रांस के द्वारा बनाई गई जिस मिटियोर मिसाइल का उपयोग किया जाता है उससे भी घातक अब भारत खुद ही मिसाइल बनाने वाला है। लिहाजा आने वाले कुछ ही दिनों में मिटियोर मिसाइल को किसी स्वदेशी मिसाइल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। बहरहाल बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल काफी दिनों से भारत की ओर से भारतीय नौसेना को समुद्र में ताकतवर बनाने की कवायद चल रही है। अब इसी कड़ी में अमेरिका से 4 रोमियो हेलीकॉप्टर जून के महीने में भारत पहुंचने वाले हैं। इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने वाले भारतीय नौसेना के पायलटों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इन पायलटों के द्वारा इस हेलीकॉप्टर को युद्ध पोतों से ऑपरेट किया जाएगा। इन हेलीकॉप्टर की क्षमता की बात करें तो इनमें लगी हेलफायर मिसाइल हवा से सतह में मार कर सकेगी। इन हेलीकॉप्टरों के द्वारा दुश्मन के टॉर्पीडो को भी आसानी से तबाह किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर इन रोमियो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारतीय नौसेना मालवाहक विमानों युद्ध पोतों से कर सकेगी। रोमियो हेलीकॉप्टर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर से किसी जहाज पर हमला किया जा सकता है, राहत और बचाव का काम भी किया जा सकता है, सबमरीन को ढूंढ कर उसे तबाह भी किया जा सकता है, साथ ही समुद्र में निगरानी रखी जा सकती है। आपको बता दें अमेरिका नेवी में भी रोमियो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सबमरीन हंटर के तौर पर किया जाता है। वहीं पर इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हर तरह के जंगी जहाज जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट से किया जा सकता है। रोमियो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी करते हैं। अब ये हेलीकॉप्टर भारतीय नेवी की क्षमता में इजाफा करेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।